पहला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? देखो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में समझना है नीचे इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखी गई है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो अभी हाल ही में भारत और स्पेन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके ऊपर? कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्पेन। अभी स्पेन के बारे में हम आगे कवर करेंगे, पहले इन दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फिनलैंड से स्टार्ट करते हैं। फिनलैंड की जो कैपिटल है ये क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। देखो कैपिटल कभी कभी एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, तो इसलिए कैपिटल आप ध्यान से सुनिएगा। हेलसिंकी जो है ये इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, जिस प्रकार से राजस्थान में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है उसी प्रकार से फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन की जो कैपिटल है ये क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो स्वेडिश कोरोना, KRONA, ये क्या है? ये कैपिटल है। अब नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे की जो कैपिटल है ये ओस्लो है। याद रखेगा स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और करेंसी है स्वेडिश क्रोना। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी है नॉर्वे क्रोन, KRONE, क्रोन। अब बात हुई है स्पेन की, तो लोकेशन देखिए पहले आप स्पेन की। ये है स्पेन की लोकेशन, देख लिया आपने। ये ऊपर इसकी कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की अगर हम करेंसी की बात करें तो स्पेन की करेंसी है यूरो। इसकी बाउंड्री इधर मेडिटेरियन सी के साथ लगती है, उधर बे ऑफ बिस्को है नॉर्थ में, और ये साइड में है पोर्तुगल। अच्छा आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, पोर्तुगल इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? इसकी कैपिटल आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए 6,872.28 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो आंसर तो है राजस्थान, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। अब यहां से आपको दो फैक्ट कवर करने हैं, एक तो जल जीवन मिशन ये क्या है, ठीक है, और फिर राजस्थान का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसको हम कवर करेंगे। पहले आसाम की बात करते हैं। आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया, और गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। जल जीवन मिशन इसके बारे में समझते हैं। देखो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में, ठीक है, ये डेट आप याद रखेगा, 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना, यानी टैप वाटर सप्लाई है ये प्रोवाइड कराना। तो ये दो तीन फैक्ट आप याद रखेगा। अब राजस्थान का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की। इंदिरा रसोई योजना इसको स्टार्ट किया गया। रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में थी जो राजस्थान में है। टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगा राजस्थान। जनजातीय उत्थान योजना स्टार्ट कर दी गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी स्टार्ट की गई। निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। घर घर औषधि योजना स्टार्ट की गई। राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। हाल ही में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन ये राजस्थान में किया गया। तो ये 13 पॉइंट आप याद रखेगा। ये लोकेशन है राजस्थान की, ये देखिए। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पांच राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जयपुर कैपिटल है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, कलराज मिश्रा राज्यपाल है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं।
अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड सेंचुरी, दरा वाइल्ड सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड सेंचुरी। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अकिल कुरैशी। डैम की बात करें, बिलासपुर डैम ये बानस रिवर के किनारे है। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे है। अब लेक देखते हैं, पुष्कर लेक, सामर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक ये राजस्थान में है। इन लेकों से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। थर्ड क्वेश्चन, गांधी एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है धीरेन्द्र के झा ने। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूएन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है टी एस तिरुमूर्ति को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, दुर्गा शंकर मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए। आमिर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए। बलदेव प्रकाश इनका जम्मू और कश्मीर बैंक का MD और CEO अपॉइंट किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, तो देखो भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां जो स्थापना दिवस है ये 6 जनवरी 2022 को मनाया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 6 जनवरी। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जनवरी, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे ये मनाया गया, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे ये मनाया गया, और 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे ये मनाया गया, और 6 जनवरी को अभी भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में धारचूला में महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये पुल आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नेपाल। अब इन दूसरे ऑप्शनों की कैपिटल जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, इराक की कैपिटल बगदाद, भूटान की कैपिटल थिम्पू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। लोकेशन देखिए पहले आप नेपाल की, यह है नेपाल। काठमांडू कैपिटल है, नेपाली रूपी करेंसी है। शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी ये राष्ट्रपति हैं। टोटल भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल भी लगता है, ये आप देखिए इधर, और सिक्किम भी लगता है। तो 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? जांग मिंग। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जांग मिंग। अब SCO में कितने मेंबर हैं ये आप जान लीजिए। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। टोटल 8 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका चाइना में है, चाइना के बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। तो देखो एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये जो भारत है, भारत और पाकिस्तान, भारत तो इसमें शामिल है ही, क्या पाकिस्तान भी इसमें शामिल है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान भी इसका मेंबर है SCO का। ये दोनों 2017 में जून के आसपास दोनों एक साथ इसके मेंबर बने थे। 8th क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले आदित्य रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हैदराबाद। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? ये करेगा जर्मनी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जर्मनी। देखो G7 में मेंबर कितने हैं पहले आप ये जान लीजिए, नाम से जाहिर होता है 7 लिखा है, G7 यानी सात ग्रुपों का, मतलब 7 देशों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 7 आप ऐसे समझ लीजिए। अब मेंबर कौन कौन है? कनाडा, USA मतलब अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। फिर से बोलता हूँ, कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, 7 जो देश हैं ये इसके मेंबर हैं। ये जर्मनी की लोकेशन है, ये देखिए आप, बर्लिन कैपिटल है, यूरो करेंसी है, ब्लैक फॉरेस्ट ये आप याद रखेगा, ये कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा पुडुचेरी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे,
किस राज्य के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? उड़ीसा सही आंसर है। कौन सा कैरेबियाई राष्ट्र देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो एंटीगुआ और बारबुडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? पीआर श्रीजेश, ये सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? अगरतला सही आंसर है। कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त गांव में सबसे ऊपर है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है तेलंगाना। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? किस राज्य सरकार और प्राकृतिक गैस फर्म गेल ने राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी 2022 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में रामनाथ गोयंका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में कहां पर लोसा महोत्सव मनाया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।